डांस कंपटीशन में ऐसी इतनी बड़ी रकम जीती है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ खर्च करूँ। ढाबे का बिजनेस ना परफेक्ट रहेगा। आरके पुत्र तुसी कह रहे हो इसलिए ढाबा 4 बजे ही खुलेगा। हाँ खुलेगा नहीं बंद होगा। ओए कौन है ये जो पटियाला नारी मुक्ति मोर्चा दी लीडर और इकलौती मेंबर का ढाबा बंद कराएगा? ढाबे की जगह इलीगल है और म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर से इसे तुरंत तोड़ना होगा। क्या हाय रब्बा साडा भी कोई सम्मान है परंपरा है घराना है थोड़ी देर में बस बीजी का ढाबा टूट जाना है। हाय रब्बा हुन की होएगा बीजी? ए होना की है तू ऐसे ही मेरे कंधे पे सिर रख के रहेगी तो मेरे कंधे में दर्द होना है। अरे बीजी आप टेंशन मत लीजिए ना हम लोग सब लोग मिल के इसके खिलाफ लड़ेंगे। ओ यार कमाल है अब मेरे खिलाफ क्यों लड़ोगे मैंने क्या किया है? अरे पाजी आपके खिलाफ नहीं उस ऑर्डर के खिलाफ। ओ वैसे ओए उसके खिलाफ तो मैं भी तैयार हूँ यार। हाँ जी मैं भी तैयार हूँ जी बिल्कुल लड़ेंगे बिल्कुल लड़ेंगे। उफ़ अब मेरे डिजाइनर फुलकों का क्या होगा? अब वो फूलेंगे नहीं। ओए आल के तेरे गाल पे मारूंगी ना मैं चपेट तो तेरे गाल फूल जाने हैं। तू यूं बता मुझे जब तेरे को पहले से पता था कि म्युनिसिपल वाले वहाँ पे बुलडोजर चलाने वाले हैं तो फिर तूने वहाँ बीजी का ढाबा क्यों बनाया? अरे बीजी शांति से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। ठीक है छोटे ये प्रॉब्लम तूने खड़ी की है और तू ही सॉल्व करेगा। लेकिन मैं कैसे पाजी? तू अभी के अभी म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस जा और उस ऑर्डर देके वाले ऑफिसर से मिल और इस मसले का हल निकाल। ओ जी हेलो जी हनुमान जी का प्रसाद जय हनुमान जी। ये ले कृष्ण जी का प्रसाद जय श्री कृष्णा। हेलो जी शिव जी का प्रसाद हर हर महादेव। हेलो बीजी दुर्गा जी का प्रसाद जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा। लगता है आप पूरे मोहल्ले से प्रसाद इकट्ठा करके लाई हैं। ओ जी ना ये मोहल्ले वाले नहीं ये तो भगवान है। ओ जी मैंने ना मन्नत मांगी थी कि बीजी का ढाबा बच जाए इसलिए ना मैं सारे मंदिरों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ा के आ गई। हाँ जी सुखी पुत्र सिर्फ मन्नत से नहीं मेहनत से काम पूरे होते हैं। जी आ गई जी। ओए क्या हुआ? काम के लिए 50,000 और लगेंगे। तू 50,000 लेगा? अरे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए वो 50,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में देने पड़ेंगे ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर देके वापस ले लेंगे? हाँ अंडर द टेबल। अंडर द टेबल वो कैसे लेते हैं एलके जी? वो अंडर द यार शीला जी भी इतनी बोली है ना मैं बताता हूँ शीला जी को। एक मिनट चुप कर मैनू ये समझ नहीं आ रहा म्युनिसिपैलिटी वाले मेरे से घूस लेंगे तनू कहा नहीं साड़ा भी सम्मान है परंपरा है घराना है और हमें इस देश से रिश्वत को दूर भगाना है। हाँ हम कोई भी काम के लिए रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत लेने के मामले में तो एल के पाजी माहिर हैं। जी विजेंद्र कौर यहीं रहती हैं ऑर्डर देके। एक मिनट कौन है? हाँ विजेंद्र कौर ग्रेवाल मैं ही हूँ क्या काम है? बीजी ये वही ऑफिसर है ऑर्डर देके। अच्छा ओए ते फेर आ गया बीजी तो ढाबा तोड़ने के लिए। ए बीजी 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 ऑफिसर है बात करते ना। ओ जी क्या लेने आए हो ऑर्डर देके? ओ जी माफी मांगने आए हो आपसे। केड़ी माफी? वो जो ढाबा तोड़ने का जो ऑर्डर मैंने दिया था ना वो गलती से 2/6 की बजाय 6/2 में दे दिया तो उसी की माफी मांगने आया हूँ बीजी। मतलब मेरा ढाबा नहीं टूटेगा? नहीं जी नहीं। तो मैं चलूं? हो जी सस्रिया काल रब रखा फिर मेर कितनी ओए सुखी पुत्र ओए सुना तूने ओए बीजी तेरा ढाबा टूटेगा नहीं सुखी पुत्र। ओ यार एक मिनट मैंने ना एक सवाल है एलके पाजी अगर ढाबा टूट नहीं रहा है तो आप 50,000 घूस के किस बात के ले रहे हो? सही बात ओए अलग तू मेरे से घूस ले रहा है वो तो मैं दूंगी तुझे ठूस के रोक किधर। ओ जी बीजी 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 एलके जी को छोड़ दो माफ कर दो एलके जी को। अरे मैं तुझे माफ नहीं साफ करूंगी। अरे बीजी छोड़िए ना अब ढाबा तो बच गया है ना।
आरके पुत्र तुसी कह रहे हो इसलिए मैं छोड़ दे रही हूँ उसे। तो ठीक है फिर, अब सब ढाबा खोलने की तैयारी करो। बीजी, ढाबा खोलने से पहले कोई चीप गेस्ट तो आना चाहिए ना। और शीलू चीप गेस्ट नहीं, चीफ गेस्ट। हाँ जी, काम करते शाहरुख खान जी को बुला लेते हैं। हाँ जी। शाहरुख खान तेरा फूफा लग रहा है जो बाहर तैयार खड़ा है आने को। वैसे आप लोग चाहो तो मैं शाहरुख खान को बुला सकता हूँ। हाँ मुझ, अरे शाहरुख मेरा बचपन का यारी है, कभी भी बुला सकता हूँ। लेकिन हाँ, वो फ्री में नहीं आएगा, पैसे लगेंगे। पैसे मेरे देने को ये तैयार है? तैयार है, तैयार है। बताइए ना एलके जी, शाहरुख कब आएंगे? बस आते ही होंगे, आते ही होंगे। बाजीगर मैं बाजीगर। अरे एलके कैसा है यार? मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ। ओए ये सब ना वहां भी करना। टाइगर मुझसे एक्टिंग से ग्रह आजकल। अच्छा, लेकिन इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं यार, ये आपस की बात है। इसको मैं चाय में खुश कर दूं। ओके चलो 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 चलो। शाहरुख शाहरुख। शाहरुख जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, मन खुश हो गया जी। एक मिनट, आप सबके लिए एक और सरप्राइज है मेरे पास। मुझे कीजिए, चेती बोलिए। ओके। ओए ये कौन है? ओ लायन। लायन नहीं जी, टाइगर। टाइगर मुझे, टाइगर जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सबको आती नहीं, मेरी चाहती नहीं। बहुत कमाल लग रहे हैं जी आप। वैसे करके दिखाना एक बार जरा। अरे यार एलके, ढाबे में खाना तो मिलेगा ना? बनाए बनाए, पहले रिबन तो काट दो। रिबन रिबन रिबन, कैची किधर है? नहीं ये बार कर दो। अरे यार एलके, ढाबे में क्या खाना बनाए, बहुत भूख लगी है यार। हाँ अरे तुझे वो फैन की शूटिंग में जाना था ना? अरे यार मैं तो भूल ही जाता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मुझे जाना बहुत जरूरी है, बाद में मिलूंगा भाई। हमें रही पैर के जी, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके बाय। ओ यार, ओ यार कमाल है यार, एक घंटे के ऊपर हो गया यार, एक कस्टमर नहीं आ रहा है, मक्खी आते जा रही है। हाँ, और हम उनसे पैसे भी नहीं ले सकते खाने पे बैठने के। आप कितनी दयालु हैं शीला जी। मुझे एलके जी और मैं। हाँ तुम भी हो। ओए चुप कर। ओए एलके, तू मेनू ये बता, तूने वो बीजी दे ढाबे के उद्घाटन के पर्चे बढ़वाए थे कि नहीं? ओ बीजी क्या बात कर रहे हो, मैं तो लोगों को पकड़ पकड़ के दिए हैं। मैं तो लोगों की पीठ के ऊपर चिपका दिए थे। अच्छा, अरे तो अगर इतना सब कुछ किया तो अब तक कोई आया क्यों नहीं? वही तो मैं कह रही हूँ, कोई तो आ जाओ यार। ओए बीजी के ढाबे में स्वागत है, स्वागत है। बैठो जी, बैठो 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 जी। ओ जी बोलो जी, क्या खाएंगे आप? कब खाएंगे? कुछ खाएंगे। कैसे खाएंगे? कितना खाओगे? अरे यार ये क्या किया तुम लोगों ने, बेड़ा गर्क। उसे डरा के भगाना नहीं था, वो तो हमारा कस्टमर था ना, उसे प्यार से वेलकम करना था। वेलकम ही तो कर रही थी मैं, थोड़ा स्वागत है कि। ओए
बैठिए। अरे ये कस्टमर नहीं है, ये हमारे फाइनेंसर हैं। अरे अलके तुमने ढाबा तो बहुत चंगा खोला है भाई। थैंक यू। धंधा तो धंधा है। अरे भाई कुछ खिलाओ तो सही है, खाना खाना तो बनता है ना। हा? ओ जी आकी बीजी का ढाबा है ये, ढाबा मेरा इसका नहीं। हाँ जी भाई किसने भी खोला होगा, ब्याज की बात कर लो, धंधा तो धंधा है। कब खिलाओगे भाई, खाना खाना तो बनता है ना। हा? आज ही तो ढाबा खुला है। रोकड़े का हिसाब मैं धंधे से पहले करता हूँ, धंधा तो धंधा है वैसे खाना खाना तो बनता है। ओ नी कुड़ियों खाना लाके ठुसो इसके मुंह में। प्यार से पेश करो। हाँ जी हम लाते हैं, अभी खाना लाते हैं। आ गया जी, आ गया। पेश करो। खाइए बीजी की बेजुबान थाली, बेमिसाल थाली। मेरे दिल जैसे एकदम फैला हुआ है। तुसी आओ बैठ जाओ यार। कहाँ बैठोगे, लॉरी पे, बस पे या ट्रेन पे? मैं खाने आया हूँ, घूमने नहीं। ओ जी नहीं जी नहीं, कंफ्यूज ना हो, ये ना हमारी मंजियों की नाम है। हाँ जी आप यहाँ खाना खा भी सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं। क्या? ओ जी नहीं नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब है कि आप स्वाद के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ओ जी ठीक है। बैठो जी, बैठो बैठो। ओए गुड़ियो नी मेनू बेच करो। अजी मुझे एक चाय चाहिए। की है? दूध खत्म हो चुका है। ओए चुप कर, चाय बना के रखी है मैंने। हाँ जी चाय के साथ और कुछ चाहिए? रबड़ी बहुत अच्छी लगती है सर्दी में। नहीं सिर्फ एक चाय चाहिए। कुड़ियों चाय पेश की जाए। ओए 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 ओ जी कोई नहीं, साडा भी सम्मान है, परंपरा है, घराना है। अब मैंने तुहानू चाय पिलाना है अपने हाथों से। हाय रब्बा, साडा भी सम्मान है, परंपरा है, घराना है। अब तो बीजी दा ढाबा भी दे दिए तुसी, पर है की ग्राहक तो है ही नहीं। ओहो बीजी सुबह से दोपहर हो गई, एक कटिंग चाय तो बिकी है ना। हाँ बीजी ऊपर से वो मुफ्त ही आया, मुफ्त में खा के चला गया। हाँ देखो जी गांव में ना एक बार तेलू राम ने दुकान खोली थी, पहला ग्राहक आया था तो उसके बाद दुकान ही बंद हो गई उसकी, फिर अगले दिन पता चला वो निकल लिया। और पाजी अपना मुंह बंद रखो, ढाबा बंद नहीं होने वाला। एक आइडिया है। क्या? हम इस ढाबे को चला सकते हैं अगर हम इसकी अच्छे से पब्लिसिटी करें तो। क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, जितने भी वेले लोग हैं ना यहाँ वो अपने कान लाओ जरा मेरे मुंह के पास। शीला आउट, एलके इत्थे आ। मैं और वेला दीदी, चोर उचक्का मुफ्त खोर कुछ भी कह लेना, वेला मत कहना, काम बहुत करता हूँ मैं टोपी घुमाने का। खुल गया बिजली का ढाबा, जो खाना खाएगा वो हो जाएगा छाबा छाबा। क्या पागल बंदर की तरह कूद रहे हो, अबे खुश हो रहा, यहाँ चलता फिरता पोस्टर बना दिया बीजी ने। यार लेकिन पाजी मेनू बड़ा मजा आ रहा है यार। जी मेरा नाम बलवीर है जी। तो क्या हम नाचें? अजी आप इश्तहार हो? नहीं नहीं हम तो बेकार हैं। आप पैसे कमाना चाहते हो? हाँ 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 कमाने, कैसे? बस ये बीजीदार ढाबा हटाकर मेरे ढाबे का प्रचार करना है, पटियाला दा ढाबा लिखकर। कितने पैसे? हर एक आदमी के 2,000 रुपए। ओ यार लेकिन एलके पाजी ये बीजी से धोखे वाली बात तो नहीं हो जाएगी? पाजी इसे धोखा नहीं कहते, इसे पैसा कमाने का मौका कहते हैं हम सबके लिए। ओ जी हम तैयार हैं। ये लो ये एडवांस पेमेंट। बीजी इन तीनों को गए वो इतनी देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? आरके पुत्र मैं भी यही सोच रही हैं कि ये तीनों अब तक आए नहीं और ना ही कोई कस्टमर आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लान फेल हो गया? अरे नहीं नहीं बीजी शुभ शुभ बोलिए, आएगा कोई ना कोई।
आ गया कस्टमर आ गया। आइए पता नहीं है, कम प्लीज कम। ओ जी साड़ा भी कोई सम्मान है, परंपरा है, घराना है, और अब तो जी बीजी दा ढाबा भी है। ये तो बीजी दा ढाबा है, मुझे तो पटियाला दा ढाबा जाना है। उसका एड्रेस पता है तो बताइए। पटियाली दा ढाबा, पटियाला ढाबे जाना है तानू? हाँ जी। जरा मैं बताती हूँ एड्रेस, जरा तेरी तो गलती से आ गया होगा, आ जाएगा कोई ना कोई और। आया, ये तो पक्का कस्टमर है। आइए सर, प्लीज प्लीज सिट। मुझे पटियाला दा ढाबा जाना है, आपको एड्रेस पता है? पटियाला दा ढाबा जाना है, बीजी दा ढाबे के बात आके सारे के सारे कस्टमर आके बीजी दे ढाबे पे पटियाला ढाबे दा एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं? अरे बीजी, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैनू लगता है ये सब ना एलके का किया धरा है। तुसी ऐसा करो आके जाके देखो कि एलके क्या कर रहा है। ओके बीजी। आओ जी आओ, बीजी का ढाबा, करो छापा छापा। सही कर रहे हो तुम लोग छोटे, बहुत सही लगे रहो। हाँ सब लोग आप आजी, थैंक यू। ये क्या लटका रखा है? मेरे पास तो बीजे का ही है। ओ पाजी, मैं छोटे से पूछ रहा हूँ, ये क्या लटका रखा है? नहीं नहीं पाजी, लटका नहीं रखा, कपड़े पहन रखे हैं। इसके ऊपर क्या है? स्वेटर। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ओ सॉरी पाजी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये सब ये दलेर पाजी की वजह से हुआ है। इन्होंने कहा कि अगर हम पटियाला के ढाबे का प्रचार करेंगे ना तो सबको 2000 पर हेड मिलेंगे। दलेर पाजी, ओए यार, मैंने आईडिया दिया और मैंने पता नहीं। होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो रोज होता है भाई। देख छोटे, ये ना बहुत गलत बात है। सोचो अगर ये अपना ढाबा चल गया ना तो हम सबके पास इतने पैसे आएंगे कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और हो सकता है हम जॉनी पाजी की शादी भी करवा दें। ओ पाजी, लाइफ सेट हो जाएगी वो छोड़ो, पर जॉनी पाजी ठिकाने लग जाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात होगी। पाजी अब देखो, मैं बीजी का ढाबे को ऐसा चलाऊंगा कि ढाबे के सामने ना लोगों की लाइन लग जाएगी। ओए शीला, ला मेरी लस्सी का ग्लास। बीजी, बीजी मेरा सोने का सिक्का। केड़ा सोने का सिक्का? बीजी हमें यहाँ स्कीम देकर बोला गया है कि बिल चुकाओ और सिक्का ले जाओ। किसने दी है स्कीम तुझे? उसने। एलके ने? ओए एलके, कौन बोला? इधर आ। आरो बीजी, आरो। क्या हुआ बीजी? ये क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? मैंने मेरे सोने का सिक्का मांगा। अच्छा वो? ओए ये कैसी स्कीम है? बीजी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी? कैसी स्ट्रेटेजी? हाँ 100 रुपए का खाना खिला के मैं इनानू 10,000 का सोने का सिक्का देती फिरूंगी। एलके जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। एक मिनट वो आ जाओ जी, आ जाओ। इनका नाम स्ट्रेटजी है। एक काम करो, इनको वो सिक्के दे दो। ये 5 रुपए का कॉइन है, सोने का सिक्का नहीं। ओ जी तो मैंने कब कहा सोने का सिक्का? मैं तो हमेशा से यही कहा ना, सोना का सिक्का। ये सोना है और वो सिक्का है। पांच रुपए का सिक्का? ये तो चीटिंग हुई यार। अरे दोस्तों ये चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, सोने का बोल के 5 रुपए कॉइन दे रहे। चलो आप लोग। सब चले गए बीजी के ढाबे से।
ओए एलके, हाँ? की है तेनू पता है ना सड़ा भी सम्मान है परंपरा है घराना है और मैं तेनू बता दू कि बेईमानी से हमें पैसा नहीं कमाना है हाँ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ। ओके ओ जी आओ जी आओ थोड़ा स्वागत है बीजी ढाबे बीच आओ की चाहिए तनु सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल आजो जी आजो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया हूँ हेलो क्या झूठा ले चलो तुम्हें अंदर नहीं नहीं मुझे सुनने में आया यहाँ पर सोने का सिक्का बांटा जा रहा है ओह अच्छा वो एक मिनट इनको भी दे दो सिक्का